आज के बाद जो सीरीज आएगी वो स्पीति की आएगी। एक्चुअली ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहाड़ देख लो आपके सामने, ये दिखने शुरू हो गए हैं मज़ेदार। वेलकम टू हिमाचल। लो जी हिमाचल हमने एंटर कर लिया है। ऑलवेज जेंटल ऑन कर्व्स। आज का स्टे हमारा रहेगा नारकंडा में। ये रास्ता देख के ना मुझे सही बताऊँ तो मुझे नेपाल याद आ गया, मस्तैंग याद आ गया। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों थंबनेल देख के आपको तो पता लग गया होगा कि मैं जा रहा हूं अभी स्पीति। जी हां, लाहौल स्पीति घूमने जा रहे हैं हम लोग। अब आज के बाद जो सीरीज़ आएगी वो स्पीति की आएगी। स्पीति मैं पहले भी जा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर उस टाइम पर मैं व्लॉग नहीं करता था। उस टाइम पर हम लोग ग्रुप में गए थे, आज मैं सोलो ही निकल रहा हूँ यहाँ से। राइड मैं सोलो कर रहा हूँ बट सोलो हूँ नहीं, क्योंकि जैसे आपने मेरे पिछले अपना जो सीरीज़ देखी थी, आपने शिमला चांसल वाली जो सीरीज़ देखी थी, उसमें मेरे साथ में थे शर्मा जी, हमारे नरेंद्र शर्मा जी, प्यारे से दोस्त। अभी इस बार भी मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। उनका प्लान बना हुआ था, मैं अभी मेरे पास उतना टाइम था तो मुझे एकदम से कॉल आई कि पाजी हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं कहा चलो मैं भी आ रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग कराएँगे रिफ्यूलिंग, हमारा पहला फ्यूल स्टॉप आ गया है। अभी अपना राइड जो मैंने स्टार्ट कर दी है आपके सामने ही, अब फ्यूल भी हमने फ्यूल करा लिया है तो अब कुछ रुकने की ज़रूरत तो है नहीं। अभी जो मेरा पहला स्टॉप होगा वो होगा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चंडीगढ़। तो अभी मैं ये आपको हाईवे दिखा के ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। अब मैं आपको सीधा मिलूँगा कालका जी में, जहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे होंगे। दोस्तों मैंने अभी लिया यार पानी ब्रेक। एक्चुअली ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी चला नहीं जा रहा, तो पहले सोचा पहले कुछ पानी पी लिया जाए। पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक्चुअली यार हुआ क्या, थोड़ी सी दिक्कत, मैंने ना हाइड्रेशन बैग नहीं रखा यार अपना। चलो अब देखता क्या होता है, चलिए पानी पी के मिलता हूँ आपसे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जीरकपुर। यहाँ से जो आपको सामने रोड नज़र आ रहा है, अभी तो ट्रैफिक मुझे बहुत नज़र आ रहा है यार। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके शिमला कालका हाईवे जो है वो लेंगे, पर पहले इस ट्रैफिक से निकला जाए। देख ट्रैफिक में लेट होने की वजह से जो हमारे साथी थे वो बेचारे वेट कर करके उन्होंने अभी अपनी ड्राइव है वो कंटिन्यू कर दी। वो कहते यार, मैंने भी उनको फ़ोन किया, जब जो मिलने की जगह थी वहाँ पहुँच के मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई सब कहाँ हो, तो पता लगा जी वो कहते यार वेट कर करके एक डेढ़ घंटा हम लोग थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, अब आप आ जाओ वहाँ पर, क्योंकि अब खाली दोस्त होते ना तो अलग बात थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके साथ मैं अभी जा रहा हूँ नरेन, तो उसकी है ब्लैक हॉक एडवेंचर करके नाम कंपनी है उसकी, जो कि एडवेंचर ट्रैवल करवाती है। तो उसके साथ में अभी और भी क्लाइंट्स हैं, तो उस वजह से वो लोग ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे थे। जितना उन्होंने वेट कर लिया उसके लिए भी उनका थैंक यू है। मैंने उनको वो ये बोला, मैं ठीक है आप आगे निकलो मैं आ जाऊँगा आराम से। ये लो जी पहाड़ देख लो आपके सामने, ये दिखने शुरू हो गए हैं मज़ेदार। थोड़ा सा वेदर का भी फ़र्क पड़ गया यार, पीछे तो गर्मी में काफ़ी बैंड बजी पड़ी थी, अभी तो कुछ हल्का हल्का ठंडी ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है। पहाड़ों में जो ये कर्व आ जाते हैं ना यार, बहुत मज़ेदार होते हैं। पर हमेशा याद रखो, ऑलवेज जेंटल ऑन कर्व्स। अब वो कर्व्स कोई भी हो, वहाँ पे जेंटल रहो। जब भी आप रैश ड्राइविंग करोगे नुकसान कराओगे अपना, तो ऑलवेज जेंटल ऑन कर्व्स। इनका मज़ा लो, ये जो कर्व्स है ना। अब आप बहुत से लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि कर्व्स हैं, कर्व्स का मज़ा लो, बस इतना ही कहूँगा। इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। वो मैं भावनाओं में बहते बहते वो कहते ना दूर तक निकल जाता हूँ, तो इसलिए कहना कंट्रोल मजरू कंट्रोल। वेलकम टू हिमाचल। लो जी हिमाचल हमने एंटर कर लिया है। अभी थैंक गॉड हम लोग बाइक पे हैं, तो अपने को कुछ भी यहाँ पे एंट्री फीस पे नहीं करनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे जी गवर्नमेंट ने ग्रीन टेस्ट लगाया हुआ है कि हिमाचल में एंटर होते ही आपको बाय कार अगर आप आते हो तो 80 रुपीज़ की आपको पर्ची पे एक पे करनी पड़ती है, एक स्लिप।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पे मेरा ड्रोन स्ट्रक हुआ था। आज जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वो लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग पहुंच गए कांडा घाट, यहां से हम टर्न लेंगे चैल के लिए। हम लोग शिमला को जो है वो बाईपास कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से जाऊँगा चैल, चैल से फिर कुफरी और कुफरी से नारकंडा। तो मैं यहाँ से अभी ले रहा हूँ राइट, जो कि मुझे सीधा लेके जाएगा चैल के तरफ, और चैल से कुफरी, कुफरी से नारकंडा। आज का स्टे हमारा रहेगा नारकंडा में। भाई कहाँ से फंस गया आगे, पूरे रास्ते मिट्टी उड़ाता जाएगा। चलो पहले इससे पास लेते हैं, अभी हम मज़े लेते चलो इस रोड के। पूरा जंगल के बीच में से ये रोड जा रहा है और बहुत छोटा सा रोड है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हाईवे नहीं है, ऐसे सिंगल रोड है। आपको याद होगा जो लास्ट भी हम लोग जब चैल आए थे बाय कार, तो इसी रोड से आए थे और उस टाइम पे अंधेरा हो गया था, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। तो अभी तो दिन है, ज़बरदस्त दिन है, कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ। ये रोड है वैसे मज़ेदार, जब ट्रैफिक कम होता ना फिर ये होता है कि बंदा अपनी मस्ती के साथ मज़े से अपना राइड कर सकता है, नहीं तो यार पूरा रोड अभी तक जितना भी क्रॉस किया ना बस यही है कि गाड़ियों से और ट्रकों से बचते ही निकला है। ये देखो ये साधु पुल नाम से जगह है यहाँ पर, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं अम्यूज़मेंट के लिए। पीछे मैं देखता आ रहा था काफ़ी सारा टेंट है यहाँ पे, स्विच टेंट लगे हुए हैं, आप कैंपिंग करना चाहो मज़े करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए ये जो टर्न है, ये टर्न है चैल के लिए, हम लोग सीधे चले गए थे और यहाँ से हमें ये टर्न लेना था, मतलब यही टर्न ना लेने की वजह से हमें गूगल दिखा रहा था आगे किसी गांव में से होके जाने का रास्ता। एक जगह तो गूगल ने ऐसे दिखाया कि भाई ठीक है आप चल रहे हो अब लेफ्ट हो जाओ, और लेफ्ट थी खाई के, बस ठीक है खाई में चले जाओ सीधा। तो जैसे कहते हैं ना जाओ भाड़ में, वो काम हो गया था हमारे साथ। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं चैल, चैल के बाद निकलेंगे कुफरी, और कुफरी से आगे टर्न लेंगे नारकंडा के लिए। ले भाई दोस्तों पहुँच गए चैल पैलेस, सबसे पहले ये भाई ने हमें रोका यहाँ पे। अब जो भी यहाँ पे आएगा उसकी पर्ची आप खुद काटना है यहाँ पे। ये इसने मेरी पर्ची काटी है 10 रुपये की, ये देखो इसने मुझे 10 रुपये की पर्ची काट के दी है, ये एंट्री फीस है। पता नहीं यार हिमाचल वाले कितनी एंट्रियाँ लेंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। अच्छा हिमाचल वाली गाड़ी छोड़ देनी है। चल नाम क्या तेरा? अखिल। अखिल अखिल अच्छा नहीं है यार हिमाचल की गाड़ियाँ। कुफरी के लिए नहीं, उसने तो इधर ही भेजा आगे जाने के लिए। ओके अखिल तूने यार ये अच्छा नहीं किया, तूने मेरे को गलत रास्ते पे भेज दिया, फालतू मुझे 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ा, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर हो गया यार। चल भैया रोड अच्छा था तो मज़ा आया। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कुफरी, आप देख सकते हो यहाँ पे हाल, रश तो है पर कम है। तो अब हमें देखना है कि हमें नारकंडा के लिए कहाँ से टर्न लेना। यार ये जो चीज़ आती है ना देखो कितनी खूबसूरत लगती है, पहाड़ काट के जो रास्ते बनाए हुए हैं, अमेजिंग यार अमेजिंग व्यू है। ये जो पहाड़ काट के रास्ते बार बार आते हैं ना सामने, और जो रास्ते बने हुए पहाड़ काट के, ये देखिए बहुत बहुत मज़ेदार लगता है। और सल्यूट है उन लोगों को, उन हाथों को जिन्होंने इतनी मेहनत करके मतलब ये पहाड़ तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए हैं। दोस्तों सामने देखो क्या ज़बरदस्त व्यू बन रहा है यार, एक नंबर व्यू बन रहा है, क्या ज़बरदस्त व्यू है ना, एक नंबर। सामने लोग अलाव जला के खड़े हुए हैं, तो भैया अब ठंड से बचना कुछ ना कुछ तो करना आप समझ सकते होंगे, मतलब मेरे हाथ जो हैं वो फ्रीज होना शुरू हो चुके हैं, इतना ठंडा मौसम है अभी यहाँ पे। दोस्तों अब मैं पहुँचता हूँ अपने होटल, जो कि नारकंडा से भी आगे है 10 या 11 किलोमीटर, वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कैसा माहौल है क्या नहीं है। अभी मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर लूँ राइट पे, हिली एरिया पे अभी जल्दी है थोड़ा सा पहुँचने की, एक बार पहुँच जाऊँ उसके बाद मैं आपको
अपडेट करता हूँ। दोस्तों हम लोग अभी पहुँच चुके हैं नारकंडा। ये देखिए, ये नारकंडा की मेन मार्केट है और ये छोटा सा प्यारा सा शहर है नारकंडा, जो कि बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे साइड पे लगाते हैं बाइक और शर्मा जी को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई होटल कहाँ पे है। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं नारकंडा से आगे, करीबन मुझे अभी 10 किलोमीटर और आगे जाना है नारकंडा से। रामपुर वाली रोड पे नहीं जाना, ये हाटू वाली रोड है। हाटू पीक बहुत ज़बरदस्त एक जगह है, हाटू देवता का मंदिर है वहाँ पे पीक पे। तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाने की, बहुत बहुत अल्टीमेट जगह है, मज़ा आएगा आपको देख के। ये देखो नाइट में ऑफ रोडिंग हो रही है, जो हमारे शर्मा जी ने जगह ढूंढी है रात रुकने के लिए, ये उसका रास्ता है। ये रास्ता देख के ना, मुझे सही बताऊं तो मुझे नेपाल याद आ गया, मस्तैंग याद आ गया। बस ऐसा ही रोड था और मैंने बहुत कोशिश की थी उसको दिन दिन में कवर करने की, और मैंने कर भी दिया था। इसका मुझे आइडिया नहीं था यार, मुझे छाला ये हंसी भी आ रही है और टेंशन भी हो रही है। ऐसी रोड पे बाइक का जो कूलेंट है वो, मतलब बाइक जो है वो हाई टेम्परेचर दिखा रही है इतनी ठंड में। अरे भैया इतनी ठंड में मेरे हाथ जम रहे हैं, तू तो कम से कम शांत रहे। ऊपर से लगेज की नॉकिंग अलग। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शर्मा जी जय जयकार हो आपकी इतना ज़बरदस्त एडवेंचर कराने के लिए। अभी देखते हैं कितना आगे जाना है, पिछले 10 मिनट से तो चल रहा हूँ मैं, पिछले 10 मिनट से ऐसे ही चल रहा हूँ मैं। अभी और देखते हैं आगे कितना जाना है। ये लो जी पहुँच गए हम लोग भी, ये सारी फौज खड़ी है, देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये ऊपर जो आपको कैफ़े नज़र आ रहा है, ये यति कैफ़े है, यही हमारा नाइट स्टे है। तो चलिए मैं आपको स्टे में पहुंच के होटल पे अपना सेटल होके फिर आपको मिलता हूँ। आता है ना तो उनको लेके हो जाता है घुमाने के लिए, बट उसके अलावा हमने एक नई चीज़ ढूंढी थी, एक सूर्य नली। ये देखो ये बैठा कौआ, गुजराती कौआ। दोस्तों अभी हम लोग बहुत मज़ेदार फन कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, बॉनफायर हो रही है, एकदम मस्त मौसम है, मस्त चल रहा है सब कुछ। मुँह छुपाता हुआ आदमी, भाभी जी के लिए क्या बोल रहे थे आप? कौन से भाभी जी के? भैया अच्छा भाभी जी लिया बैचलर हो मतलब शादी? मैं आपको अलग से देता हूँ। हाँ जी पाजी क्या बोल रहे थे अभी भाई साहब? भाई ये स्टार प्लस चल गया, चैनल बदलो। अच्छा एमटीवी एफटीवी नहीं बोला? ये देखो दोस्तों अभी बस यही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो चलो यार एक काम करते हैं वीडियो को। अरे भैया जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मुझे पता है। अभी 6 दिन यही कुछ चलेगा। ये देखो ये बंदा बिना लहसुन प्याज के पास्ता खा रहा है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आप ऐसा बताइए गुजराती सोमनेर में पास्ता खा रहा है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा इसने बिना प्याज लहसुन के अंडे खाए थे, ये देखो अभी पास्ता खा रहा है। ये सब लोग बिना प्याज के खाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब यहाँ पे पार्टी शार्टी चल रही है, मजा कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगदीश सिंह, आज हाथ फ्री नहीं है, यहीं से ऐसे ही बाय बाय।